आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। की बड़ी खबर, कार बनी आग का गोला, पुलिस की सूझबूझ से चार लोगों की जान बची। शॉर्ट सर्किट की वजह से धू धू कर जली कार, पुलिस ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर पाया काबू। शिवनगर थाना के तिलौली के पास चौधरी ढाबे की घटना, कार बनी आग का गोला, सिद्धार्थ नगर से बड़ी खबर बता रहे हैं। जहां पुलिस की सूझबूझ से चार लोगों की जान बची। शॉर्ट सर्किट की वजह से धू धू कर जली कार, पुलिस ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर पाया काबू। शिवनगर थाना के तिलौली के पास चौधरी ढाबे की घटना, नकली सरसों तेल की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खाद्य विभाग ने फैक्ट्री पर छापेमारी की है। सरसों तेल के लिए नमूने से हुआ खुलासा, टीम ने 1095 लीटर तेल को किया जब्त। अलावाल देवरिया बग्गी रोड पर की गई छापेमारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, नकली सरसों तेल की फैक्ट्री पर भंडाफोड़ हुआ है, खाद्य विभाग ने छापेमारी की है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मयूरी जी, बिल्कुल, आपको बता दें कि नकली सरसों तेल की फैक्ट्री का भंडाफोड़ काफी दिन से ये नकली तेल का सप्लाई हो रहा था। खाद्य विभाग के छापेमारी में हुआ भंडाफोड़ और खाद्य विभाग ने 95 लीटर तेलों का जब्त कर लिया है और बाकी विधिक कार्रवाई की गई है। अलावल देवरिया बग्गी रोड पर चल रही थी फैक्ट्री काफी दिनों से, धानेपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। जी धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। कुशीनगर में ट्रेन के स्लीपर कोच का वीडियो वायरल हुआ, कोच के गलियारे में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। खड्डा रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में पढ़ी जा रही थी नमाज, वीडियो में चादर बिछाकर पढ़ी जा रही है नमाज। पूर्व भाजपा विधायक ने खुद बनाया है वीडियो, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सत्याग्रह एक्सप्रेस 1527-3 का वायरल वीडियो, कुशीनगर में ट्रेन के स्लीपर कोच का वीडियो वायरल हो रहा है, कोच के गलियारे में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। खड्डा रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में पढ़ी जा रही थी नमाज, वीडियो में चादर बिछाकर पढ़ी जा रही है नमाज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ज्ञानेश्वर हमसे जुड़ेंगे। ज्ञानेश्वर, स्लीपर कोच में नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मैं आपको बता दूं, यह वायरल वीडियो सत्याग्रह एक्सप्रेस का बताया जा रहा है। भाजपा के पूर्व विधायक दीपाल भारती के द्वारा यह वीडियो बनाया गया है। वे खड्डा रेलवे स्टेशन पर गए हुए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जैसा कि मैं बता पा रहा हूं आपको, ये रेलवे बोर्ड ऑफ मेंबर के सदस्य भी हैं। जी अभी तक गलियारे में चादर मामले पर क्या एक्शन लिया गया है और यात्रियों को रोका जा रहा है? उस बोगी में बैठने के लिए जब उसने भीड़ देखी तो वह स्वयं मौके पर पहुंचे और वीडियो बना डाली। जी अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जी प्रशासन का कहना है कि इस मामले में जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद ज्ञानेश्वर तमाम जानकारी। बीएसपी पदाधिकारियों का एक दिवसीय सम्मेलन आज लखनऊ से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश स्तरीय बीएसपी पदाधिकारियों का सम्मेलन, बीएसपी कार्यालय में 11 बजे से सम्मेलन शुरू। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में सम्मेलन।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु से जुड़ेंगे। विवांशु, बीएसपी पदाधिकारियों का एक दिवसीय सम्मेलन आज, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं भी आपको बता दें कि निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री मायावती की तरफ से आज प्रदेश स्तरीय बीएसपी के पदाधिकारियों का सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें साफ तौर से अगर देखा जाए तो नए सिवे से जमीन तैयार करने की प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। और वहीं आपको बताएं कि बीते चुनाव आपने देखा था, विधानसभा चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति थी, जो चुनावी रिजल्ट था, उसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अगर लंबे अरसे के बाद एक बेहतर स्थिति में बसपा नहीं आ पाई थी। उसी क्रम में अब देखें तो पार्टी में नए सिवे से गठन और जान फूकने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। और आपको बताएं कि पार्टी की मुखिया इसके आज चुनावी मंथन भी करेंगी और पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक में वो आगामी जो चुनाव है, निकाय चुनाव, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव, उसको लेकर रोडमैप तैयार करेंगी। वहीं अपनी खोई हुई जो जमीन है उसको वापस करने के लिए लगातार बीएसपी के अंदर में पदाधिकारियों को नए पदों पर आश्रित किया जा रहा है। जैसे अगर बात की जाए तो इमरान मसूद सहारनपुर से आकर और वो अब बीएसपी के जो हिंदू और मुस्लिम भाईचारा कमेटी है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस आज के बैठक में निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए मंथन भी होगा। वहीं आपको बताएं कि अब देखने वाली बात ये होगी कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक बनाने के बाद इमरान मसूद कितने कारगर साबित होते हैं और उन्हें माना ये जा रहा है कुछ अहम जिम्मेदारी भी आज मिल जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के दौरान इमरान मसूद कांग्रेस को छोड़कर सपा में गए थे, मगर उन्होंने सपा पर कहीं ना कहीं मौका ना देने का आरोप लगाते हुए वो फिर से बसपा के अंदर में जाकर अपनी नई जगह बना रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी इस बैठक के बाद निकाय चुनाव पर क्या प्रभाव आता है, 2024 में क्या बदलाव आते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो लोकसभा चुनाव में पिछली बार अगर देखें 2019 में तो बसपा ने बेहतर प्रदर्शन किया था, फिर से एक बार उसको दोहराने के लिए अपना जमीनी मंच तैयार करने के लिए और खोई जमीन को वापस करने के लिए लगातार मीटिंग हो रही है, आज भी मीटिंग हो रही है। अब देखने वाली बात होगी मीटिंग के अंदर में क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जी धन्यवाद भुवांशु तमाम जानकारियों के लिए। त्योहार पर छात्राओं ने बनाई रंगोली, लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ऐतिहासिक इमारत घंटाघर पर रंगोली बनाई। दिवाली व धनतेरस के शुभ अवसर पर रंगोली बनाई। कुनकुन जी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने रंगोली बनाकर बिखेरे रंग। गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाते हुए रंगों से बनाए चित्र। त्योहार पर छात्राओं ने रंगोली बनाई, लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ऐतिहासिक इमारत घंटाघर पर बनाई रंगोली। दिवाली व धनतेरस के शुभ अवसर पर बनाई रंगोली। खुनखुन जी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने रंगोली बनाकर बिखेरे रंग। गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाते हुए रंगों से बनाए चित्र। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।